जेई मेन 2016 का एक क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड. ये देख रहे हो आप, ये फिशर प्रोएशन फार्मूला है, ऊपर सी ओ एच ओ एच और एच है, सबसे नीचे सी एस थ्री है और नीचे राइट में सी एल और लेफ्ट में एच. वो कह रहे हैं इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टू आर थ्री एस, टू एस थ्री आर, टू एस थ्री एस, टू आर थ्री आर. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताता हूं मैं आपको. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना. ये दो जर्मन लैंग्वेज के टर्म्स हैं, आर फॉर रेक्टस और एस फॉर सिनिस्टर, ठीक है ना. रेक्टस मतलब होता है क्लॉकवाइज, इंग्लिश मीनिंग है क्लॉकवाइज, और सिनिस्टर की इंग्लिश मीनिंग है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना. क्या होता है अगर मान लो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर है और ये चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, ए बी ई और डी, तो सीआईपी का एक रूल है. सीआईपी रूल क्या है, सीआईपी तीन साइंटिस्ट का नाम है, कान, इंगोल्ड, प्रीलॉग, इन सबको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं. इनका एक रूल ये है कि आप इनको प्रायोरिटी दें, वन टू थ्री फोर, वन टॉप प्रायोरिटी होगी और टू सेकंड टॉप प्रायोरिटी होगी और फोर्थ जो है वो लास्ट प्रायोरिटी होगी. सीआईपी रूल में क्या कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो प्रायोरिटी ज्यादा, पहला रूल ही है, ठीक है ना. दूसरा रूल क्या है कि अगर पहला एटम कॉमन है तो गो फॉर सेकंड और थर्ड एंड सो ऑन टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ताकि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हमें मिल सके. तीसरा रूल ये है कि अगर डबल बॉन्ड से है, पहला एटम और दूसरा एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से दो बार कनेक्टेड है, यानी कि ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद टू ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद टू कार्बन, ठीक है ना. या जैसे ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है ये, सो हाइपोथेटिकली इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ ईच नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद थ्री, इट ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद थ्री नाइट्रोजन एंड ईच नाइट्रोजन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद थ्री कार्बन इंडिविजुअली, राइट. दिस इज हाइपोथेटिकल कंडीशन. एक और रूल है कि हेवियर आइसोटोप जो है वो सीनियर होता है, जैसे ड्यूटेरियम इज सीनियर टू प्रोटियम, ठीक है ना. एक और रूल है कि लोन पेयर विल ऑलवेज बी जूनियर, लोन पेयर इज ऑलवेज अ जूनियर ग्रुप, ठीक है ना. इन रूल्स के बेसिस पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, वन टू थ्री फोर. सीधा ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना. क्या ट्रिक है, मान लो जैसे हमने ले लिया एक कंपाउंड सी ओ ओ एच, ओ एच सी एस थ्री और एच. तो ट्रिक ये है कि इफ अब मान लीजिए आप वन टू थ्री फोर कर दें, तो टॉप प्रायोरिटी भी कौन है, ऑक्सीजन. सेकंड टॉप प्रायोरिटी भी कौन है, ये वाला कार्बन या अपर कार्बन. अगर दोनों कार्बन कॉमन हो गए तो हम सेकंड एटम पे जाएं तो यहाँ ऑक्सीजन है और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी टू हो गई, इसकी प्रायोरिटी थ्री हो गई और इसकी प्रायोरिटी फोर हो गई, ठीक है ना. तो अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, हाइड इट एंड गो फ्रॉम वन टू 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 थ्री, क्लॉकवाइज विल बी आर, एंटी क्लॉक विल बी एस, ठीक है ना. सेकेंड रूल क्या है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, देन हाइड इट एंड गो फ्रॉम वन टू 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 थ्री, ठीक है ना, गो फ्रॉम वन टू 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 थ्री. इफ क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर, ठीक है ना. जैसे इसमें आप देखें,
वन टू थ्री और ये फोर, फोर कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो फोर्थ को आप छिपा लें, जस्ट हाइड इट एंड गो फ्रॉम वन टू 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 थ्री दिस वे. टेल मी व्हाट इज द रोटेशन, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन आंसर इज आर, राइट. मैं एक और बनाता हूँ, देखो इधर, जैसे ये बना दिया सी ओ ओ एच एन एच टू एच एंड सी एच थ्री. बोलो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? नाइट्रोजन का, तो वन प्रायोरिटी, फिर कार्बन का टू प्रायोरिटी, फिर इस कार्बन का थ्री प्रायोरिटी, और ये जो है ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, फोर्थ वर्टिकल पर है, फोर्थ इज ऑन वर्टिकल लाइन. इसको छिपा लेता हूँ, छिपा कर वन टू थ्री चले, वन से टू से थ्री की ओर ऐसे ऐसे निशान बना ले चाहे तो. बताएं कैसा? एंटी क्लॉक. अगर वर्टिकल पर फोर्थ है और एंटी क्लॉक रोटेशन है तो एस कन्फिग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना. इस तरह से हम आर एस निकालते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बोलते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दो कायरल सेंटर्स हैं. डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और आपको दो कायरल सेंटर पे कैसे आर एस डिसाइड किया जाता है वो बताता हूं, ठीक है ना. अगर आप आईयूपैक के हिसाब से इसकी नंबरिंग करते तो ये वन होता है, ये टू होता है, ये थ्री होता है और ये फोर होता है, यही पेरेंट चेन होती. हमारा कार्बन नंबर टू जो है वो कायरल है और कार्बन नंबर थ्री जो है वो भी कायरल है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं रफ में. क्या है भाई ये? सबसे ऊपर सी ओ एच, राइट में ओ एच, लेफ्ट में एच, और नीचे एक कार्बन है जिस पर एक सी एल है, एक एच है और एक सी एस थ्री है, और ये एक पूरा ग्रुप है. वेन यू आर टेकिंग वन कार्बन अंडर कंसिडरेशन फॉर configuration determination, for assigning the configuration, RS configuration, then rest of the part of the compound will be just treated like a group. You get the point? Now tell me, which is having highest priority? Tell me. O, oxygen is having highest atomic number. Now we are having two carbons, one is above, one is below. Since both these carbons are same, so priority cannot be decided at this first atom, we'll go for the second. In case of second, here it is oxygen and here it is chlorine. Which is higher in atomic number? Tell me. Chlorine. So this will be two priority. This becomes third priority and this is fourth. Now you know fourth is on horizontal. Just hide it and go from one to two to three. It is a clockwise rotation, right? Clockwise rotation means it is S. So our carbon number two is S actually. This is S configuration, right? Similarly, we will go some rough work for carbon number 3. Carbon number 3 is like this. Cl at right, H is at left and methyl at below. Upper side is a carbon which is having OH, H and COOH. There is a carbon having OH, H and COOH. Right? OH, H and COOH. Now it's just a group. It's just a group. Tell me the priority. Chloro will be given the first priority, of course. Then this carbon, second priority, this is third and this is fourth. Fourth priority group is on horizontal line. Just hide it and go from 1 to 2 to 3. 1 to 2 to 3. Right? It is anti-clock. Fourth priority on horizontal line and anti-clock rotation. This will be R. That means our compound is having S configuration at second carbon and R configuration at third carbon. So our answer according to this is B. Answer is B. तो इसका मतलब इस question का answer क्या है? इस question का answer है B option. ठीक है? Note करें.